साहस सरोकार। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने आयोजित की विशाल जनसभा, सावित्री मंडावी में समर्थन जनसभा का हुआ आयोजन। मनेन्द्रगढ़ में एड्स जागरूकता के लिए निकाली गई रैली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से रैली का हुआ आयोजन। बीजापुर में भैरमगढ़ सीएमओ ने टेंडर किया नरस्त, ठेकेदारों ने सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। जगदलपुर में छुई खदान धसने से हुआ बड़ा हादसा, कई मजदूरों की हुई मौत। खड़गवा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कबाड़ परिवहन करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। भानु प्रतापपुर के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के समर्थन में विशाल जनसभा आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा और विधायक अनूप नाग ने माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। इतना जोश है कि खुद ब खुद हमने सिर्फ आह्वान किया था युवाओं का कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के नंबर वन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, युवाओं ने खुद समर्थन किया और हमारी रैली में आकर शामिल हुए हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, चाहे वो छात्राएं हैं, बहुत सारे छात्राएं हमारे पास आए रैली में। हम चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा मिलते रहे और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो छत्तीसगढ़ या संस्कृति को समझे और हम युवाओं मन की बात को समझे, ऐसा मुख्यमंत्री। एमसीबी जिले के खड़गवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 ट्रक कबाड़ परिवहन कर 4 रहे आरोपियों को पकड़ा, जिनसे लगभग 2,96,000 रुपए का कबाड़ जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज के द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया था, जिसके तहत नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के खड़गवा पुलिस को सूचना मिली कि 3 ट्रकों में अवैध कबाड़ परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 3 ट्रकों को रोक लिया। इसमें 2 में स्क्रिप्ट हैं और 1 में वो गत्ते हैं, पुट्ठे हैं, कुछ ऐसे सामान। सर, इसकी जांच की जा रही है। इनके विरुद्ध जो है पुलिस 3 गाड़ियों को जब्त किए जाकर के कार्रवाई की गई। अब गाड़ी के कागजात वगैरह स्क्रैप के? स्क्रिप्ट के कागजात जो है फोटोकॉपी है, हम उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, बाद में अपने न्यायालय में पेश करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रथम दृष्टया जो है अपराध श्रेणी में आ रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर आपके द्वारा? इसमें वही है कि चोरी के मसलों का अंदेशा पाए जाने से 41(4) में कार्रवाई की। मनेन्द्रगढ़ में एड्स जागरूकता रैली निकाली गई, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर AK नर्सिंग कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एड्स दिवस पर नारों के साथ जन जागरण रैली निकाली गई। तो वहीं विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए शहर की परिक्रमा करते हुए वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रैली की समापन की गई। इस अवसर पर BMO विकास पोद्दार ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। शक्ति के अंतर्गत नगर पंचायत ढबरा में अक्टूबर माह का चावल वितरण नहीं किए जाने पर और प्रधानमंत्री आवास में किए जा रहे अनियमितता को लेकर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपा। तो वहीं हजारों नगरवासियों ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि नगर पंचायत के शासकीय उचित मूल्य की दुकान की ओर से अक्टूबर का चावल वितरण नहीं किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि घर घर जाकर डरा धमका कर टेबलेट पर हितग्राहियों से अंगूठा पंच करवाया जा रहा है। मैं अनिता सिदार आवास प्लाट के रहने वाली हूँ, 3 वार्ड के। हम आवास इतना मिले नहीं है, कई घर दस्तखत करवा के लगे है, मिली आज मिली कल मिली का के लगे, चौपट पट्टी में रहन हमन।
और देवे नहीं करा थे आ जाइ काले ही कथे और टैक्स अब कूद के आ थे कूद के आ था भाई नहीं मांगा थन मांगा थन तब नहीं मिले कथे तो कह घा अगर नहीं मिले कथे तीन वाट के मिलबे नहीं करे कथे के घा तो आगे ना मैं बोला था कि हम मतलब 2 महीना के बना चौल नहीं दे दस्तखत करवा ले थे और हम मतलब बना चौल देना नहीं चाहिए और 1 महीना के पैसों भी लेके दे थे हम मतलब चौल फ्री में देते नहीं सरकार ला मिला थे तो चावल ला देना चाहिए कि नहीं चाहिए ओकरे शिकायत करे हम तहसील आए हैं। बीजापुर के भैरमगढ़ में 2 बार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है तो वहीं नगर पंचायत भैरमगढ़ सीएमओ के खिलाफ अब ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया और सीएमओ के खिलाफ छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय मंत्री डेहरिया को पोस्ट के माध्यम से शिकायत पत्र भेजा। जशपुर के कांसा बेल में खेत जाने के दौरान किसान पर 2 हाथियों ने हमला कर दिया तो वहीं किसान ने हाथी के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वन विभाग को सूचना मिलते ही घायल किसान के इलाज के लिए व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि दोनों हाथी पास के जंगल में ही डेरा जमाए बैठे हैं। रजनानंद गांव में सरहद को लेकर 2 गांव में झगड़ा हो गया तो वहीं पूरा मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गया। बता दें कि दोनों गांव के निवासी अपनी अपनी जमीन के लिए अड़े हुए हैं। वहीं आरआई यशवंत साहू ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बता पाऊंगा, अधिकारियों पर रिश्वत खाने के आरोप लगे हुए हैं। हमारे गांव के कहा थे पेरो सरद हमारे गांव के सदियों से चला था थे हमारे गांव के और नपैया मन भी अधिकारी भी आए वह शुरू से सही ना पता थे फिर खेड़खाड़ में ला के कबर मलका थे अधिकारी मन जो है ना वहू मन सब बिके हुए आदमी लगा थे हम माला अधिकारी मन भी बिक गए। नरवा गरवा घुरुआ के अंतर्गत गौठान निर्माण करने के लिए हम लोगों ने सरहद सीमांकन और फॉरेस्ट के सीमांकन सभी की सीमांकन करके जो हमारी जमीन है खसरा नंबर 1/1 उसको चिन्हांकित करके हमें गौठान बनाने के लिए शासन से हम लोग मांग किए हैं। इसके लिए हमने तहसीलदार महोदय को कलेक्टर महोदय को और सीओ साहब को और फॉरेस्ट अधिकारी को सभी को हमने सूचित किया था लेकिन आज फॉरेस्ट के कोई भी अधिकारी नहीं आ पाए। जगदलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 11 किलोमीटर दूर ग्राम मालगांव में छुई खदान अचानक धस गई। इस हादसे की चपेट में आने से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा ग्रामीण उसमें फंस गए थे। सूचना के मुताबिक घटनास्थल पर अभी भी कई और लोग फंसे हुए हैं। पुलिस और SDRF ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक 2 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।